उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप मामले को लेकर प्रतिदिन कोई ना कोई कदम उठ रहा है। इसी कड़ी में पीड़ित के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लग गया है। अंदर जाने वालों को अब मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना पड़ रहा है। घर के बाहर परिवार की मदद के लिए तहसीलदार SDM बैठे हैं, भीतर सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात हैं, उसके लिए तंबू लगा है, अस्थाई शौचालय भी बनाए गए हैं, वहीं दरवाजे पर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का अफसर तैनात है जो घर में आने जाने वाले हर व्यक्ति का नाम नोट कर रहा है। बाहर कुर्सी डाले एक तहसीलदार और SDM बैठे हैं जो परिवार की हर जरूरत का ध्यान रख रहे हैं। घर के भीतर भी सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात है, वहीं अपने आप को सूचना विभाग का अधिकारी बताने वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति चुपके चुपके सबकी तस्वीरें ले रहा है। यहां आपको बता दें कि कथित गैंगरेप के 24 दिन बाद बुलगड़ी में अब बहुत कुछ बदल गया है। पहले परिवार बोल रहा था और गांव वाले खामोश थे, अब पीड़ित का परिवार बोल बोल कर थक चुका है और गुमसुम सा है, लेकिन अब गांव वाले बोल रहे हैं, जिसके जो मन में आ रहा है कह रहा है। बताते चले कि पीड़ित के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लग गया है। अंदर जाने वालों को अब मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना पड़ रहा है। यहां आपको बता दें कि कुछ दिन पहले हाथरस में एक युवती के साथ कुछ लोगों ने गैंगरेप किया था, जिसकी बाद में मौत हो गई थी, जिसका हर कोई विरोध कर रहा है और इस घटना को निंदनीय बता रहा है। ऐसा नरेरा को काम करता है जी, तो प्रधान लिख के नंबर लगो, तो जैसे बैंक द्वारा पैसा आवा था खाते में, तो जो कहते नंबर नहीं दे तो पैसा कहाँ से आऊंगे। तीनों बाप बेटन तीनों ने करो काम, गांव वाले का नंबर है हमारा, बहुत पुराना नंबर है हमारा। गांव वाले यहाँ आए के मोती के में पीछे तो कुत्ता भौंकता रहता है, राजा पे गया जाता है, मेरे मुँह पे कहो कौन सा गांव को कौन से मीटिंग जोर है, मेरे जोरे तो आवे पिटाई कह के चलते भाई। अपनी बहन की चीज बेच के आए वो बाकी पिटाई करी, और फिर गाँव जाओ दारू शराब पीवा तो ताकि पिटाई करी, बीच से पिटाई बापा ने करी है, सुबह सुबह बीड़ी सिगरेट पी रहो बाकी चलते पिटाई करी, कौन के चलते चलते अपने घर में कोई का चुका बात हमें क्या हमें काम था। तो ये लोग इतनी छुआछेत करते हैं पहले से ही हमसे कि पैसे लेंगे दुकान पे, तो इतनी दूर लेंगे और चींटे मारेंगे तब पैसे लेंगे उठाएंगे, और जो गांव गांव पंचायत है रहेंगे तो जो ठकुरा के ऊपर वो आ रही है ना जी, कैसे ऐसे बड़े बड़े हम बड़े लोग हैं और जो छोटे लोग हैं, अब जो बहुत बड़ी बात है रही है ठाकुर लोगों के लिए, इसीलिए जो गाँव गाँव पंचायत है रही भी शौक से उनका साथ दें, क्योंकि उनके आगे बेटियां नहीं है, उनके अंदर इंसानियत नहीं है, उनकी जो बच्चियां हैं ना वो शायद सेफ होंगी इन जानवरों से, इसलिए उन्हें ये इन सब उन लोगों का दे रहे हैं साथ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।